हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी स्ट्रिक्स फॉर फ्री स्मार्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ हनी सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे एक टॉपिक पे। जस्ट मैं बात करूँगा जो है बैन ऑफ बिटकॉइंस इन इंडिया, यानी इंडिया में बिटकॉइंस को बैन किया है। दोस्तों, बैन किया है लेकिन इलीगल नहीं किया। अभी तक उसका पोजेशन से किसी को किसी भी प्रकार का कोई सज़ा नहीं है या कुछ इलीगल टर्म ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। इसका जो सर्कुलर निकला है RBI से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कुछ अर्निंग की साइट्स का आपको अपडेट मिलता रहे। जो भी साइट्स हैं अभी फ़िलहाल बिटकॉइन के ऊपर ही हैं, एयर ड्रॉप्स के ऊपर हैं, ICOs के ऊपर हैं, जो हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग दे रही हैं। बहुत से कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, बहुत से हमारे वॉलेट में आ चुके हैं। लेकिन अब ये जो बिटकॉइन बैन किया है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस सिचुएशन में हमें कूल एंड काम रहना है। इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी हमारा ये बिटकॉइन है, दिस इज़ एन एसेट, इट इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड। दोस्तों, ये एक एसेट है, इट इज़ जस्ट नॉट अ डिजिटल करेंसी, बट स्टिल वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड। हमारा गवर्नमेंट का सपना है इंडिया को डिजिटल बनाने का। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2018 में डिजिटल करेंसी के बिना डिजिटल इंडिया कैसे बन सकता है, जब हम हर चीज़ में डिजिटलाइज कर रहे हैं, हर एक सर्विस डिजिटलाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। करेंसी को पेमेंट करना है पेटीएम से करते हैं, बहुत सा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ गया है। सब होने के बाद स्टिल वी आर नॉट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन, व्हाई? दोस्तों, इस समय हमें सबको यूनाइट होना है। हमारा एक बिटकॉइन कम्युनिटी, ऐसा हम बिटकॉइन कम्युनिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए। सबने एक साथ एक सिग्नेचर कैंपेन करें। दोस्तों, इस विषय पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, आप इसका विकीपीडिया पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो विकीपीडिया में लिखा है। विकी आंसर विकी, जो बिटकॉइन है, ये एक तो एक्चुअली इसके बहुत से फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर नुकसान है तो वो गवर्नमेंट को जो इसका टैक्स नहीं मिल रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट टैक्स के दायरे में ले आए। हम बिटकॉइन कम्युनिटी जो है, इसका टैक्स पे करने के लिए तैयार है। मुझे लगता सभी तैयार हो गए और होना भी चाहिए। क्या इससे हमारे देश को फ़ायदा नहीं है? हम फॉरेन की करेंसी को इंडिया में लाएंगे, कई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है दोस्तों इस पे लोगों का। तो इसमें आप इसके आंसर्स देख लीजिए। वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन कैन हेल्प फाइट फाइनेंशियल क्राइम। ये अभी जब इसका सब जगह पे डिजिटलाइज हो गया है, बिटकॉइन सब एक्सेस कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइम नेचुरली कम हो जाएगा। लोगों को बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, बिजनेस मिलेगा, लोगों का एक इनकम सोर्स बन जाएगा। तो ये हमारे जैसे और भी बहुत से बेरोज़गार लोग इस पर कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो क्या अच्छी बात नहीं है? इट इज़ ईजियर टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। तो ये डिजिटल करेंसी है दोस्तों, ये हैंड टू हैंड नहीं है। इसकी जो भी पॉलिसीज बनेगी, जो भी इसका ट्रांजेक्शन होगा, लेन देन होगा, विड्रॉ, डिपॉजिट, सब ट्रैक होता है। तीसरा, बिटकॉइन इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट टू यूज़ एंड मेंटेन इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल करेंसी। ये तो बात सही है दोस्तों, ट्रेडिशनल करेंसी को मेंटेन करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में इतना खर्चा है। उसको आप देखते हो, एक ATM जब उसको मशीन को जब फिलअप करते हैं, तो एक गाड़ी आती है, दो गार्ड आते हैं गन के साथ। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत, ये गवर्नमेंट को भी मालूम है। तो ये सब बिटकॉइन में नहीं है, इट इज़ अ डिजिटल करेंसी। तो
ये भी प्लस पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टी बिलियन बिटकॉइन इंडस्ट्री। इसमें तो जब हम अभी ICOs एयर ड्रॉप जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमें कैसे मिलता है कॉइन्स, ये हम बहुत सी कंपनीज बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा कर रही है, उनके डिजिटल करेंसी निकाल रही है, लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं ताकि उनके साथ काम करें, इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इसमें तो बहुत मल्टी बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, बहुत से नेशन ने इसे एक्सेप्ट किया है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस पे चल रहे हैं दोस्तों। तो डू वी लिव इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम अभी भी एक अंडर डेवलप्ड नेशन है क्या, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और बिना इसके एक्सेप्ट किए कैसे तरक्की करेंगे। तो दोस्तों ये फिफ्थ पॉइंट जो है, स्टिमुलेशन ऑफ सर्टेन हाई टेक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यस, ये एक अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा वे आउट है दोस्तों। इससे नेचुरली इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम बाहर की करेंसी को इंडिया में लाएंगे, इनकम जनरेट करेंगे, और इंडियन जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नेचुरल बात है दोस्तों। सिक्स पॉइंट, बेटर मैकेनिज्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग सिटीजन्स। इसका सीधा मतलब है कि इसको अगर पेमेंट के तौर पे दिया जाए, पेंशन के तौर पे दिया जाए, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत इजी है। आज दोस्तों अगर कोई पेंशन लेने जाता है तो काउंटर से लेकर गेट तक इतनी भीड़ होती है कि आदमी का दम निकल जाता है, और वो सब बुज़ुर्ग होते हैं। अगर हम बिटकॉइन से पेमेंट करें, किसी को जाने आने की ज़रूरत नहीं है, उसके वैलेट में पेमेंट 1 तारीख को आ जाएगा। सही बात है ना दोस्तों। सेवन पॉइंट जो है, फाइटिंग करप्शन इज़ मच ईजियर इन बिटकॉइन इकोनॉमी। यस, जैसे कि ये पीयर टू पीयर है, डिजिटल है, इसका हर ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा करप्शन तो हैंड टू हैंड करेंसी, फियट करेंसी, कैश करेंसी में होता है दोस्तों। हज़ारों करोड़ रुपया फॉरेन में है इंडिया का, आज तक नहीं मिला, कोई नहीं ला पाया। और कितना ब्लैक मनी निकला जब मोनेटाइजेशन हुआ, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़। तो ये सब इसमें नहीं ना पॉसिबल। इसमें हम हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात होगी कि इसे टैक्स के दायरे में ले आए। बिटकॉइन कैन बी मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी देन द करंट नेशनल करेंसी ऑफ कंट्री। जी हाँ, वही करंट करेंसी को मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सिक्योर करना, सिक्योरिटी रखना, ये बहुत कॉस्टली भी है, और बहुत ही मैनेज करने के लिए रिसोर्सेस लगाने पड़ते हैं दोस्तों, जबकि बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बातें हैं, हमें सबको यूनाइट होना पड़ेगा गवर्नमेंट से। हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे या अपील करते हैं सब मिलकर, क्योंकि बिना, आप बोलते हो मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत, बीच में ऐप देते हो, पेटीएम से पेमेंट करो, पॉस मशीन्स बांटते हो हर जगह पे है, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, गाड़ी, अपना किराने की दुकान से लेकर सब जगह पे पॉस मशीन्स हैं, डिजिटलाइज कर रहे हो, लेकिन डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वाह, ये एक, इसका जवाब भी ज़रूरी है। अगर बैन किया है तो इसका जवाब भी दीजिए, हम आर बी आई से अपील करते हैं दोस्तों। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ wikipedia.org का, ये जो विकीपीडिया है ये दी बेस्ट साइट है, जहाँ पर हम कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। इसमें कोई भी टॉपिक पूरा इतना विस्तार से, इतना डिटेल से दिया जाता है, जो कि किसी दूसरे साइट पे नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये टॉपिक का जो हेडिंग है वो लीगलिटी ऑफ बिटकॉइन बाय कंट्रीज और टेरिटरीज। तो यहाँ पर सब कंट्रीज, सब टेरिटरीज का डिटेल दिया है, जहाँ पर इसे लीगल है कहा गया है और इलीगल कहा गया है। तो दोस्तों ज़्यादा से 90% ज़्यादा कंट्री ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, 90% से ज़्यादा। यहाँ आप देख सकते हो डिटेल बाय यूनियन, जो भी कंट्रीज़ का, इसमें आपको यहाँ पर सब कंट्री का डिटेल दिया है, कॉन्टिनेंट्स का डिटेल दिया है, एशिया, यूरोप, ओशन कंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन जो टेरिटरी है, यहाँ पर इसको लीगल बोला गया है, ठीक है।
अब ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको सिर्फ मोटा मोटा बता देता हूँ। G7 नेशंस में लीगल बोला है, उसके बाद यहाँ पर कंट्रीज़ जो है ये अल्गेरिया में इलीगल बोला है, ठीक है, मोरक्को में लीगल है, बाकी नाइजीरिया में लीगल है, यहाँ पर आप देख सकते साउथ अफ्रीका, नामबिया, जिम्बाब्वे, यहाँ सब जगह लीगल है, कनाडा में लीगल है, यूनाइटेड स्टेट में लीगल है, मैक्सिको में लीगल है, और मैक्सिमम दोस्तों सब जगह पे कुछ ना कुछ कंडीशंस डाली है, ऐसा नहीं है कि एकदम ओपनली इलीगल कर दिया है। कहीं कहीं बिटकॉइन इज टैक्स एज अ प्रॉपर्टी, ये यूनाइटेड स्टेट्स का बात है, ठीक है, तो सब जगह पे इसको किसी ना किसी थोड़ा सा बंधन में डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम कंट्री में लीगल 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 कहा गया है, ठीक है। आपको इंडिया का स्टेटस बताता हूँ, यहाँ पर एक ये है कंट्री बोलीविया, यहाँ इलीगल है, ठीक है, यहाँ सब कंट्री इक्वाडोर के लीगल है, यहाँ लीगल है, साइप्रस छोटी सी कंट्री है दोस्तों वहाँ लीगल है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यहाँ तो दोस्तों इसका क्या बोलना है, यहाँ तो हर चीज़ बिटकॉइन से मिलती है, बिटकॉइन इज़ फुल्ली एक्सेप्टेबल इन दिस कंट्री, यहाँ पर सब जगह लीगल 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 लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बांग्लादेश ही लीगल, इंडिया का लीगल है क्योंकि वो सर्कुलर जो निकला था 2018 में निकला था, जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग टू डिस्कंटिन्यू द यूज़ ऑफ बिटकॉइन एंड अदर वर्चुअल करेंसी इन इंडिया फॉर द क्रिमिनल यूजेस, ही रिट्रीटेड दैट इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज देम एज लीगल टेंडर एंड विल इंस्टेड एनकरेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन पेमेंट सिस्टम। The government does not recognize cryptocurrency as legal tender or a coin and will take measures to eliminate the use of these activities as part of payment. तो उन्होंने actually blockchain payment accept किया था, जैसा कि वो एक technology है digital payment accept करने का, बहुत से bank already करते हैं लेकिन bitcoin को accept नहीं किया था। नेपाल में भी illegal है, पाकिस्तान में अभी illegal हो गया है। तो दोस्तों यही हम कंट्रीज़ क्या, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्री हैं। अब मैक्सिमम कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है, हमें इसका नुकसान क्या है, बेनिफिट्स तो मैंने काफ़ी बता दिए, अगर कोई नुकसान है तो उसे बात की जा सकती है, इसको टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है, उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है ट्रांजैक्शंस अगर बैंक से कोई करता है। दोस्तों अभी भी अगर बैन कर दिया है तो इसका व्यवहार तो बंद नहीं हुआ है, ये तो चल रहा है, लोग फॉरेन के एक्सचेंज में सब ट्रांसफ़र करके वहाँ ट्रेड करेंगे और USD में लेंगे, USD से हमारे सब बैंक्स वर्चुअल करेंसी से वर्चुअल पेमेंट मेथड से जुड़े हैं, जहाँ हम USD पेमेंट तो हर कोई बैंक में ले सकते हैं, तो बैन करने से क्या हो सकता है, इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। हमें इसको यूनाइट होना पड़ेगा, इसको हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये इसको चैलेंज करना होगा, ये डिसीजन को रिव्यू करना होगा गवर्नमेंट को। यू आर मेकिंग इंडिया अ डिजिटल नेशन बट नॉट एक्सेप्टिंग डिजिटल करेंसी, ये बात हजम नहीं होती दोस्तों, वी शुड रेज एंड प्रोटेस्ट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे इनक्रेज कीजिए दोस्तों मेरे चैनल पे, कोई खास सब्सक्राइबर्स नहीं है, एनीवे ये चलता रहेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।